नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल गाय को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की सरकार को बड़ी सलाह दी गई है। हिंगोनिया गौशाला मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गौकशी पर उम्र कैद की सजा देने का प्रावधान रखने की बात कही। और इतना ही नहीं, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का सुझाव भी दिया गया है। एसीबी एडीजी को निर्देश दिया गया कि हर 3 माह में गौशाला की रिपोर्ट तैयार की जाए। वहीं यूडीएच सचिव और निगम आयुक्त महीने में एक बार गौशाला का दौरा करें। कोर्ट ने वन विभाग को भी आदेश दिया कि हर साल गौशाला में 5,000 पौधे लगाए जाएं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए। शरद कुमार हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, आज क्या कुछ कहा राजस्थान हाईकोर्ट ने? देखिए, आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ है इंगोनिया गौशाला में। जिस तरह से आज तक ने खबर उठाई थी और देश को दिखाया था कि किस तरह से हजारों गायें मर रही हैं, और उसको उसके बाद हाईकोर्ट ने लगातार इसकी नियमित सुनवाई शुरू कर दी थी। और आज जज साहब रिटायरमेंट से पहले 20 पॉइंट करीब का एक निर्देश दिए हैं राजस्थान सरकार को। उसमें ये लिखा है कि राजस्थान सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए प्रयास करे। जो सक्षम अधिकारी हैं और जो महाधिवक्ता है राजस्थान सरकार के, वो अब सक्षम स्तर पर प्रयास करें और केंद्र से बात करें कि इसको राष्ट्रीय पशु घोषित की जाए। साथ ही ये भी कहा है कि जिस तरह से गायें मर रही हैं लापरवाही से, भ्रष्टाचार से, या फिर गो हत्या हो रहा है, इन सारे मामलों में गो हत्या के सजा के लिए उम्र कैद का प्रावधान हो, इसके लिए सक्षम स्तर पर नियम बनाने का प्रयास किया जाए। कुल 20 पॉइंट उन्होंने लिखे हैं। साथ ही ये भी कहा है कि इंगोनिया गौशाला में जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो जांच करे मामले की, हर 3 महीने पर हाईकोर्ट को अपडेट करे, और जो दोषी लोग हैं जो उनको अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, उनकी सजा नहीं हुई, उनकी पालना सुनिश्चित की जाए। जो जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, इस तरह से कहें तो करीब 20 पॉइंट लिखवाए हैं। और हिंगोनिया गौशाला को लेकर जिससे 20,000 आज एक दो गायों को मरने को लेकर हंगामा मच रहा है, करीब 20,000 गाय मर गई सरकारी लापरवाही से और भ्रष्टाचार से, इसको लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से अपेक्षा जताई है। सरकार को इस तरह से रिकमेंड किया है कि इस तरह से गाय की रक्षा की जा सकती है अगर राष्ट्रीय पशु घोषित करने का राजस्थान सरकार प्रयास करे। जो जिस तरह से गाय मर रही है उसके लिए प्रयास करे कि आज गाय के मौत के जिम्मेदार लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो। तो हम कह सकते हैं कि हिंगोनिया गौशाला में जिस तरह से देश ने ये तस्वीर देखी थी गायों को मरने की, तड़प तड़प के भूख से दलदल में फंस फंस के गाय के मरने की जो तस्वीर देखी थी वो दिल को दहला देने वाली तस्वीरें थी। और उस तस्वीर से राजस्थान हाईकोर्ट का भी दिल दहल उठा था, और उसके बाद से लगातार सुनवाई हो रही थी, और आज जज साहब रिटायरमेंट से पहले ये इस तरह का एक फैसला निर्देश। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, तमाम जानकारी के लिए आपका। शरद हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे किस तरह से आज तक की खबर का असर हुआ है। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए 20 पॉइंट्स का सुझाव दिया है। तो एक और, जहां राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ी सलाह दी है, वहीं देश भर में गाय और बीफ को लेकर बवाल मचा हुआ है। आईआईटी मद्रास में बीफ पार्टी देने वाले छात्र की पिटाई को लेकर आज लेफ्ट के छात्रों ने मार्च निकाला। ये छात्र दरअसल पिटाई करने वालों को सजा देने की मांग कर रहे थे। वहीं कन्नूर में बछड़े को काटने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता को लेकर हिंदू युवा वाहिनी ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं पशु बिक्री को लेकर सरकार के नए कानून पर केरल हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। केरल हाईकोर्ट का ये कहना है कि पशु के काटने, खाने और बेचने पर रोक नहीं लगा सकती। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से अलग अलग जगहों पर गाय को लेकर, बीफ को लेकर बवाल मचा हुआ है। हिंदू युवा वाहिनी का हंगामा किया गया, प्रदर्शन हुआ, वहीं कई छात्र आपस में चेन्नई में भिड़ गए। इन छात्रों ने दरअसल इस बात को लेकर विरोध जताया कि आखिरकार क्यों वहां पर बीफ परोसी जा रही थी और बीफ खाने की वकालत की जा रही थी। ऐसा एक कार्यक्रम का आयोजन था जिसे लेकर छात्र आपस में भिड़ गए। हम आपको बता दें कि हिंदू युवा वाहिनी का जो हंगामा हुआ वो दरअसल बीफ को लेकर था। उधर केरल हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि पशु के काटने, खाने और बेचने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। आज राजस्थान हाईकोर्ट ने भी 20 अहम सुझाव दिए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाना चाहिए और गाय की पूरी तरह से सुरक्षा की जानी चाहिए। तो गाय को लेकर जहां देश भर में घमासान मचा हुआ है, वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने एक बार फिर किन्नूर कांड को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उनसे बात की हमारे संवाददाता ब्रजेश पांडे ने। क्या
हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कि हमारे धर्म के प्रतीक गौ माता और बछड़े को कानून की धज्जियां उड़ा के काटा जाए, बीफ फेस्टिवल मनाया जाए? कांग्रेस पार्टी अलीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदू लड़कों को रमजान के समय भोजन न मिले, कहाँ गए इंटॉलरेंस वाले? कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना वापस कर रहे थे अवार्ड? ऐसे लोगों की जुबान आज बंद हो गई है। अब देश में नहीं चलेगा कि हिंदुओं को गाली दे करके, ये नहीं चलेगा। ये जान बुझ करके लोग हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये धर्मशाला मान लिया है भारत को, जाए ना कोई हिम्मत है पाकिस्तान में जाके करके देखे? तीन तलाक में शरीयत आएगा, इसमें भारत का संविधान आ जाएगा। अब ये नहीं चलेगा दोहरा मामला। लेकिन यदि कोई बीफ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता और उसकी पिटाई होती है, आपको लगता है ये जायज है? मैं तो पूछ रहा हूं, अगर आपको चिढ़ाने के लिए कोई करता हो तो आपको कैसा लगेगा? कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के सामने बछड़े को काटा जाए और बीफ बनाया जाए और बीफ फेस्टिवल बनाया जाए, ये हिंदुओं को चिढ़ाना है कि नहीं है? ये हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। गाय को लेकर मचे घमासान के बीच अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक कानून विवादों में घिर गया है। दरअसल एएमयू में पढ़ रहे गैर मुस्लिम छात्रों को इन दिनों मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ये रमजान का महीना है। रोजेदारों के लिए यूनिवर्सिटी के हर हॉस्टल में ब्रेकफास्ट और लंच बंद कर दिया गया है, सिर्फ सहरी और डिनर ही मिल रहा है। एएमयू में रोजा नहीं रखने वालों पर आफत, हिंदू छात्रों को भी नहीं मिल रहा नाश्ता और लंच, सभी मेस में सिर्फ सहरी और इफ्तार का इंतजाम। खाने के लिए परेशान हैं एएमयू में दूसरे धर्मों के छात्र। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सन्नाटा पसरा है, रास्ते खाली हैं, कक्षाओं में एकांत है, कैंटीन में अंधेरा है, खाने की मेज पर एक भी छात्र नजर नहीं आता। रमजान के दिन चल रहे हैं, इसलिए जो रोजेदार हैं उन्हें खाना नहीं है, और जो रोजा नहीं रखने वाले हैं उन्हें खाना मिलना नहीं है। एएमयू में पढ़ने वाले दूसरे धर्म के छात्रों के लिए रमजान के दिन जरा मुश्किल भरे होते हैं। तमाम छात्रावासों की कैंटीन में आमतौर पर मिलने वाला नाश्ता, दोपहर का खाना बंद हो जाता है। सहरी होती है सुबह के 3 बजे, लेकिन जो रोजा नहीं रखते उनके लिए 3 बजे उठकर सहरी खाने का कोई तुक नहीं होता। जो लोग रोजा नहीं रख रहे हैं, हाँ, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि 3 बजे वो उठ के मतलब ब्रेकफास्ट कर पाए। अच्छा अच्छा, लंच मिलता ही नहीं है, शाम में ना वो मिलता है डिनर। अच्छा अच्छा, तो फिर आप लोग कहाँ खाते हैं? फिर खाने के लिए ऐसा है, ज्यादातर लोगों को बाहर ही जाना पड़ता है। बाहर में शमशाद में भी बहुत कमी, मुश्किल से कुछ मिल पाता है, और इधर भी आसपास भी ज्यादातर सब मार्केट बंद रहती है, तो इधर उधर ही जाना पड़ता है स्टेशन की साइड में। यूनिवर्सिटी का सर सैयद हॉल सूना पड़ा है। कैंटीन के इंचार्ज बता रहे हैं कि माहे रमजान की यही रवायत रही है और ये सिलसिला बहुत पुराना है। रमजान के दिनों में ब्रेकफास्ट और लंच नहीं मिलता बच्चों को, जो आमतौर पर रमजान में। अब तो ये 7 साल के बाद पड़ा है जी, 7 साल से तो बंदी हो रही है रमजान। हाँ, तो अभी तक जो इस बार जो पड़ा है रमजान, उसमें ब्रेकफास्ट और लंच अभी तक नहीं दिया जा रहा। अभी तक 7 साल के बाद ऐसा हुआ है जो आपकी 5 तारीख तक चलेगी, 6 से पूरी यूनिवर्सिटी क्लोज हो जाएगी। एएमयू में दूसरे धर्मों के भी सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं, लेकिन रमजान के दिनों में खान पान को लेकर पूरी यूनिवर्सिटी का कायदा एक हो जाता है। इस बारे में जब हमने यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क अधिकारी से बात करनी चाहिए तो वो बड़ी देर तक अगर मगर करते रहे। नहीं देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स मेस में ऑलरेडी प्रोविजन है, ओके, लंच का, एंड इसके अलावा द एडमिनिस्ट्रेशन हैज गिवन डायरेक्टिव्स कि जिन लोगों को भी जरूरत है ऑन डिमांड इसकी फैसिलिटीज डिफरेंट हॉस्टल्स में। यूनिवर्सिटी के पीआरओ का कहना है कि इस बार छात्रों को ऑन डिमांड खाना दिया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आती। खुद कैंटीन के इंचार्ज साफ मना कर चुके हैं कि नाश्ते और दोपहर के खाने का कोई इंतजाम नहीं होता। हैरत की बात यह है कि दूसरे धर्म के छात्रों को यूनिवर्सिटी के आसपास भी कुछ नहीं मिलता, उन्हें पेट भरने के लिए स्टेशन के पास जाना पड़ता है। पंकज सारस्वत, अलीगढ़ आज तक।